नमस्ते दर्शकों का स्वागत है। आइए जानते हैं देश की राजनीति का क्या है हाल। पीएम मोदी ने जलियांवाला का प्रयोग राजनीति के लिए किया अमरिंदर। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उन्हें परिवार भक्ति में व्यस्त बताने जाने पर कहा है कि जलियांवाला कांड की बरसी का प्रयोग प्रधानमंत्री मोदी ने राजनीति के लिए किया। दरअसल पीएम मोदी ने कहा था कि अमरिंदर को उपराष्ट्रपति के बजाय नामदार राहुल गांधी के साथ जलियांवाला बाग जाना सही लगा। निराशा में उठाया कदम, राम मंदिर को दिग्विजय द्वारा जमीन देने पर बीजेपी। भोपाल मध्य प्रदेश लोकसभा सीट से कांग्रेसी प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा कांग्रेस की जमीन भोपाल राम मंदिर ट्रस्ट को दिए जाने को बीजेपी ने निराशा में उठाया कदम बताया है। बतौर रिपोर्ट, बीजेपी का कहना है कि यह जमीन राम मंदिर की है जिस पर कांग्रेस जिला कमेटी ने कब्जा जमा लिया था। कांग्रेस नेता आरपीएन सिंह ने कुशीनगर में तले पकोड़े छानी जलेबियां। कांग्रेस नेता और कुशीनगर संसदीय क्षेत्र से पार्टी उम्मीदवार आरपीएन सिंह ने रविवार को जिले के होरलापुर गांव में आयोजित एक मेले में पकौड़े तले और जलेबियां छानी। यूपीए के दूसरे कार्यकाल में गृह राज्य मंत्री रह चुके सिंह 2014 के लोकसभा चुनाव में इसी सीट पर बीजेपी प्रत्याशी राजीव पांडे से 85,530 वोटों से अंतर में हार गए। धर्मेंद्र ने मथुरा में किया हेमा मालिनी के लिए प्रचार, कहा मैं भी आप में से एक हूँ। एक्टर धर्मेंद्र ने रविवार को अपनी पत्नी हेमा मालिनी के लिए मथुरा से चुनाव प्रचार किया और कहा मैं भी आप में से एक हूँ। चुनाव प्रचार शुरू करने से पहले हेमा मालिनी ने ट्विटर पर फोटो शेयर किए और कहा यह मेरे लिए खास दिन है, धर्म जी आज पूरे दिन मथुरा में मेरे लिए प्रचार करने जा रहे। तो देश की राजनीति में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।